जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी अटल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लखनऊ में हुए अधिवक्ता की हत्या एवं विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने की मांग पत्र मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी अटल ने कहा, वस्तु स्थिति सब में विषय वस्तु एक ही है। मैं ज्ञापन पढ़ करके सुना रहा हूँ। माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर महोदय जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर की साधारण सभा की बैठक आज दिनांक 9/1/2020 को एसोसिएशन सभागार में अध्यक्ष श्री अमिताभ त्रिपाठी अटल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है तथा इन हत्याओं में संलिप्त अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करता है। दूसरा यह कि जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर मृत अधिवक्ता स्वर्गीय सुशील त्रिपाठी एवं स्वर्गीय सनाउल्लाह खां के परिवार को 50-50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने तथा इन मृतक अधिवक्ता के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग करता है। अमिताभ त्रिपाठी अटल, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन गोरखपुर। हमारे दो अधिवक्ताओं की निर्मम हत्या हुई है, आप सबको पता है। लखनऊ में शिशिर कुमार त्रिपाठी और प्रयागराज में सनाउल्लाह खां, दो अधिवक्ताओं की हत्या हुई है। लखनऊ की हत्या में तो कहा जाता है कि दो गिरफ्तार हुए, लेकिन प्रयागराज में हुई हत्या का अब तक कहीं कोई खुलासा नहीं। आप देखें, एक सामान्य हत्या पर या इस तरह की मौत पर सरकार उस परिजनों को, हत्या जिसकी हुई है उसके परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराती है, परंतु इन अधिवक्ताओं की हत्या के बाद किसी भी अधिवक्ता के परिजन को, पीड़ित परिवार को किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता की घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई। हमारी यह मांग है कि जो पीड़ित परिवार है, जिन अधिवक्ताओं की हत्या हुई है, उनके परिजनों को सरकार की ओर से कम 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाए, उसके एक परिजन को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जाए। और आए दिन प्रदेश में अधिवक्ताओं की हो रही हत्या चिंता का विषय है, और इस विषय पर सरकार से हम यह मांग करते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए ताकि अधिवक्ताओं की हो रही निर्मम हत्याओं पर विराम लग सके। हमारी सरकार से यह भी मांग है कि अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अधिवक्ता समुदाय की कल्याणकारी योजनाएं जो शासन में लंबित हैं, उन पर भी त्वरित निर्णय लेकर के अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सकारात्मक घोषणा करें, और अधिवक्ताओं को भी लगे कि हाँ, वे एक संवेदनशील सरकार के अंदर रह रहे हैं।